तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1-3, 7-8 और 12 आयत। इज़राइल फैलाने वाली दाखलता के सदृश है जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वे फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वे अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। सामरिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। अवेन के पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए जहां इज़राइल पाप करता था। उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढांक लो और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लूनोगे, अपनी प्रतिभूमि जोतो क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता ना बरसाए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो और उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतान, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। जय घोष अलेलुया। अनुवाक्य, अलेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अनुवाक्य, अलेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1-7। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला शिमोन जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और थदियोस, सिमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इसराइल के घराने की
खोई हुई बेड़ों के यहाँ जाओ, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।